नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोबाइल पर अनुपम मार्चे में। दोस्तों आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ पोको M2 Pro और इसमें एक खास चेंज लॉग है जो बहुत से यूज़र इसको नहीं जानते हैं, जो इसका ये नोटिफिकेशन सेंटर है। इसे पहले मैंने वीडियो बनाया था 12.0.4.0, उसमें मैंने इस वाले सेटिंग में जाकर उसको अपडेट किया था फ़ोन को, तो बहुत जन ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि हमारे में ये वाला फीचर नहीं आया है, हमने अपडेट कर लिया है 12.0.4.0 फिर भी ये अपडेट नहीं आया है, तो आप इसको किस तरह से अपने फ़ोन में अप्लाई किए करके पूछ रहे थे। कई जने ने मुझसे कॉल करके भी पूछा तो उनको मैंने कॉल के ज़रिए बताया, तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना मैं इसमें वीडियो ही बना देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हैं अभी नॉर्मल वाला है, जो आपके फ़ोन में भी होगा ऐसे नॉर्मल वाला। तो चलिए वो नया वाला को कैसे अप्लाई करना है इसको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको इसमें डिस्प्ले का ऑप्शन दिखेगा, ये वाला डिस्प्ले, इसमें चले जाना है आपको डिस्प्ले वाले ऑप्शन में। उसके बाद नीचे आ जाना है आपको और यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेट, इसको क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू कंट्रोल सेंटर करके, इसको आपको ऑन कर देना है। इसको ऑन होते ही आप बैक हो जाइए। अब आप इधर से ऐसे डाउन करेंगे तो आ जाएगा नया वाला नोटिफिकेशन, और इधर से आप स्लाइड डाउन करेंगे तो इधर जो भी नोटिफिकेशन है वो भी आ जाएगा, और इधर से स्लाइड डाउन करेंगे तो ये वाला नोटिफिकेशन सेंटर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।